नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की उपस्थित में भव्य समारोह में आयोजित हुआ। इस अवसर पर पीएचडी धारकों तथा स्नातकोत्तर पास विद्यार्थियों को डिग्री और गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। आपको बता दें कि रीवा मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन आज 11 बजे रीवा पहुंचे। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दीक्षांत समारोह के दौरान 72 उपाधि धारकों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। 27 पीएचडी धारकों को भी मेडल प्रदान किया गया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में दिनांक 28 जनवरी 2020 को बड़े ही धूमधाम के साथ दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम राष्ट्रगान कर शुरुआत की गई, जिसके पश्चात विश्वविद्यालय के छात्रों ने सुनहरा गीत गाया और फिर कुलपति पीयूष रंजन के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम की अगली कड़ी में सभी पीएचडी के छात्रों को पीएचडी का प्रमाण पत्र राज्यपाल के द्वारा दिया गया। इसके बाद सभी पीएचडी उपाधि वाले छात्रों को शपथ दिलाई गई। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा लगभग 100 से अधिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत सहित अन्य छात्रों को मेडल पहनाए गए। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे, रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान सहित पुलिस प्रशासन के आला अफसर मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।